गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा हम लोग अपनी रिवीजन्स कर चुके हुए हैं, आपके रिवीजन टेस्ट भी हो चुके हुए हैं। रिवीजन टेस्ट ठीक किए हैं एमसीक्यूज में, लेकिन कुछ एक जगह गड़बड़ की हुई थी। सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं। ग्रामर में आप लोगों ने गड़बड़ थोड़ी सी की है, लिटरेचर पार्ट काफी हद तक ठीक अटेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन ग्रामर क्योंकि एमसीक्यूज फॉर्म में है इसलिए आप लोगों ने थोड़ी बहुत गड़बड़ उसमें की है। अपने रिवीजन टेस्ट निकाल लीजिए जहां आपने सॉल्व किया हुआ है। जो आप लोगों को पेपर में जिस तरह से आना है, फॉर्मेट जो पेपर का है, कोशिश की गई कि उसी फॉर्मेट पर आपको टेस्ट डाला जाए। जो अपठित गद्यांश है मोस्टली लोगों ने ठीक किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ एक दो लोग ऐसे थे जिनके गद्यांश में भी गड़बड़ हुई है। गद्यांश में गड़बड़ होने का रीजन ये है कि आप लोग पाठ के आधार पर, पढ़े हुए पाठ के आधार पर उत्तर लिख देते हैं, जबकि आप लोगों को पैसेज पढ़कर उत्तर लिखना है। जो पैसेज में लिखा है उसके आधार पर उत्तर लिखेंगे, पढ़े हुए के आधार पर नहीं लिखेंगे, जनरल नहीं लिखेंगे। एमसीक्यूज है, गद्यांश है, गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पद्यांश की, पठित पद्यांश, इसमें काफी लोगों ने गड़बड़ की है। इसका कारण ये है कि आप लोगों ने पद्य भाग को, कविताओं को ठीक से समझा नहीं है। जब तक आप ठीक से समझेंगे नहीं तब तक आप उसको हल नहीं कर सकते। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन था, कौन चांद को निहारता है? ऑप्शन सी कवि, बाती, चकोर और दीपक। कुछ लोगों ने कवि भी आंसर लिखा है। उसका रीजन यही है कि आपने उसको ठीक से समझा नहीं, क्योंकि लाइन लिखी है जैसे चितवत चंद चकोरा। ठीक है, मैंने बताया था चितवत का मतलब होता है देखना, निहारना, जैसे चांद को चकोर निहारता है। ठीक है, अगर आपने इस तरह से उसे ठीक से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ग्रामर की बात करते हैं, श्रुति संभिनार्थक मोस्टली लोगों ने ठीक किए थे, उस दिन हमने डिस्कस भी किए थे, आप लोगों को इसी पैटर्न पर आने हैं। ओके, नेक्स्ट इज पर्यायवाची, ये भी आप लर्न करेंगे तो ही काम चलेगा, विलोम शब्द भी। उसके बाद वाक्य, वाक्य में कहीं कहीं पर प्रॉब्लम आई है, जैसे काश आज वर्षा हो। ठीक है, सेंटेंस है काश आज वर्षा हो, ये आपकी विश है कि आज वर्षा हो। एमसीक्यूज में थे संकेतवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। इसका उत्तर है इच्छावाचक। कुछ लोगों ने इसे संकेतवाचक या संदेहवाचक लिख दिया है, जो कि गलत है। संकेतवाचक में होता यदि आज वर्षा होगी तो ऐसा हो जाएगा, वो है संकेत। संदेह तब होता जब हम कहते हैं शायद आज वर्षा होगी, लगता है आज वर्षा होगी, तब होता संदेहवाचक। लेकिन यह है काश आज वर्षा हो, यानी कि इच्छा है कि आज वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, वाक्य मैं डिस्कस करने जा रही हूँ थोड़े से आप लोगों के साथ, एक बार उसकी रिवीजन करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगा कि कुछ
प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है अभी भी, राइट। इसके अलावा जो पिछला रिवीजन टेस्ट था आप लोगों का, उसमें भी ग्रामर में आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय में गड़बड़ की थी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज मैं पहले वाक्य लूंगी, उसके बाद हम अनुस्वार और अनुनासिक एक बार देखेंगे, ओके। आपको उपसर्ग प्रत्यय क्लियर हो गए बेटा? श्योर, ओके। वाक्य में देखो, आपको पता है शब्दों के, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। आपके सिलेबस में अर्थ के आधार पर, ओके, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधात्मक, निषेधात्मक या निषेधवाचक एक ही बात है, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, ओके। ठीक है, एक सेंटेंस लिखती हूं। वह परिश्रम करता है, एक करता है, एक क्रिया है, हमें बताएं। सिंपल सा सेंटेंस है, विधानवाच्य, साधारण वाक्य विधानवाच्य। इसी को अगर हम निषेधात्मक में बदलें, वह परिश्रम नहीं करता है, जब नहीं मत लग जाते हैं तो वो निषेधात्मक बन जाते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक, क्या वह परिश्रम करता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पीछे, ठीक है। विस्मय आदि बोधक, वाह वह परिश्रम करता है, ओके। इच्छावाचक, काश वह परिश्रम करता, इच्छा हो गई। संकेतवाचक, यदि वह परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। संदेहवाचक, शायद वह परिश्रम करता है। आज्ञावाचक, परिश्रम करो, तुम परिश्रम करो, ठीक है, कृपया परिश्रम करो, राइट। यानी कि जब बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है तो विधानवाचक, जब नेगेटिव सेंटेंस है, ना नहीं, क्या बेटे, हाँ, जब ना नहीं मत आदि लगा हो तो निषेधात्मक, जब प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक, जब दुख, हैरानी, खुशी इस तरह के भावों तो विस्मय आदि बोधक, जब कोई इच्छा की जाए, इच्छा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक विश करना, काश ऐसे हो जाए, ब्लेसिंग्स भी उसमें आती हैं, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, जन्मदिन की बधाई, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस भी इच्छावाचक में आएंगे। संकेतवाचक में जब पता चलता है कि एक काम होने पर दूसरा काम किया जाएगा तब संकेतवाचक, संदेहवाचक जब पता ना हो कि काम किया जा रहा है या नहीं, शायद या
लगता है। ओके, आज्ञावाचक सिर्फ आज्ञा नहीं है, रिक्वेस्ट भी है। जब किसी से अनुरोध किया जाए, विनती की जाए या आज्ञा दी जाए तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। ओके, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? ओके, आज्ञावाचक, तुम जा सकते हो, आज्ञावाचक, ठीक है। अब मैं एक जो और टॉपिक रिवाइज करवाना चाहती हूँ वो है पद परिचय। पद परिचय मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले भेदों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भेद नहीं पता है तो आप पद परिचय अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पद परिचय का मतलब क्या होता है? पद सबको पता है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है, ठीक है। आपको पद रेखांकित करके दिया होगा और उसके नीचे ऑप्शंस दी होंगी कि ये क्या है, इस पद का सही परिचय क्या है। जैसे रोहन विद्यालय गया है, भूल गए स्कूल, ठीक है। रोहन विद्यालय गया है, अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी शुरू करो, नहीं तो राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी यू रीडिंग्स, ठीक है। रोहन विद्यालय गया है, रोहन को अंडरलाइन किया हुआ। सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, उसके बाद उसका भेद देखेंगे। भेद हमें पता है, ठीक है। फिर देखेंगे लिंग कौन सा है और वचन कौन सा है, क्लियर। रोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुलिंग एक वचन, क्योंकि एक है इसलिए एक वचन। रोहन किसी लड़के का नाम है इसलिए पुलिंग संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्लियर। ओके, तुम बैठो, आप में से कोई नहीं बोलेगा अभी, प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स। तुम पद का परिचय बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गगनदीप, मेहर, कीर्तिमा, नवनूर, तनेश, कोई भी नहीं बोलेगा, किसी को नहीं आता या सब खो गए? हैंड रेज करो, मेहर थंब नहीं शो करना, बताइए मेहर। मेहर बताइए, कोई भी नहीं बताएगा कि इस पद का क्या परिचय है? नो वन ऑनलाइन स्टूडेंट, सब गायब है क्या? दिस इज सैड,
कि हमें पद परिचय नहीं आ रहा। ब्रिजेश क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? स्टैंड अप, तुम बैठो। संज्ञा है, संज्ञा है रमणीक, संज्ञा है, क्या है ये विशेषण? यू प्लीज वेट, प्लीज। ब्रिजेश विशेषण क्या होते हैं? आपने कहा कि ये विशेषण है, विशेषण किसे कहते हैं? आपको विशेषण नहीं आते? सर्वनाम, मैं आपसे बात कर रही हूं, सर्वनाम आते हैं, क्रिया आती है, संज्ञा आती है, कुछ भी नहीं आता, ना संज्ञा ना सर्वनाम ना विशेषण ना क्रिया। मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी। टाइप्स, आपने कहा कि ये विशेषण है, ये विशेषण कैसे है मुझे ये बताओ, क्या है ये? तुम शब्द क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों है ये पुरुषवाचक सर्वनाम तनिष? मैम ये सर्वनाम है तुम। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों है? पुरुषवाचक क्यों है ये बताइए। कॉमन नेम दी, कॉमन है मतलब ये तुम पुरुष, मैम मतलब पुरुष को इंडिकेट कर रहा है इस। कॉमन है मतलब? कॉमन तो मैं समझी नहीं। नहीं मैम, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो इसलिए तुम पुरुष। okay. किसी पर्सन के बारे में बता रहे हो, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद ये बताइए कि लिंग कौन सा है? एक वचन। लिंग पूछा है मैंने। तनिष्क मैंने लिंग पूछा है, कौन सा लिंग है? मैम कोई भी हो सकता है, पुल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कुछ भी। क्यों मैम? क्योंकि उसमें सिर्फ तुम है और ऐसे नहीं बताया कि ये लड़की है या लड़का। ओके गुड तनिष्क, थैंक यू। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन, क्योंकि एक है। उसके बाद लिंग कोई भी हो सकता है। अगर मैं गुरजाब को कहूं कि तुम बैठो या मैं वत्सल को कहूं तुम बैठो तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये पुलिंग या स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, इससे ज्यादा अभी एग्जाम्पल आगे लेने का, बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब तक एक बच्चा भी ऐसा क्लास में है जिसको संज्ञा सर्वनाम और विशेषण नहीं आ रहे, तो हम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से शुरू करेंगे। ओके, कल आप लोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अच्छे से पढ़कर आएंगे। कल का मतलब ऑलवेज नेक्स्ट क्लास। अगर नहीं होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास घर से भी ले सकती हूँ विद ड्यू परमिशन ऑफ प्रिंसिपल मैम। अंडरस्टूड? सो डोंट वरी, डोंट थिंक कि छुट्टी है तो मतलब छुट्टी है। मुझे अगर ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चों को नहीं आ रहा और मुझे उनको सिखाना है, उनको ये आना चाहिए, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो आई कैन गो फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, इवन आई कैन गो फॉर लेसन क्लासेस, आई कैन टेल हिम ओनली टू ज्वाइन मी। सो डोंट वरी फॉर दीज थिंग्स। ओके, आप पढ़कर आएंगे ब्रिजेश, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ऑनलाइन जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, जिन्होंने नहीं बताया है, वो लोग भी पढ़ेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के कॉन्सेप्ट हम क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं।
5, 6, 7, 8 इवन 9th में भी हमने किया था, जब हमने पद परिचय पढ़ा था तब भी हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण दोबारा से किया था और बहुत अच्छे से किया था। नेक्स्ट क्लास में हम पहले यही करेंगे और अगर मुझे जरूरत लगेगी तो हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।